एक 9 feet by 5 feet का टेबल, टेबल के बिल्कुल बीचों बीच 6 inch की हाइट पर एक नेट, हाथ में एक ओवल शेप का छोटा सा बैट और रफली 3.7 grams की एक छोटी सी प्लास्टिक बॉल, बस इसी में बसी है इस चैंपियन की जिंदगी. And with her wizardry in that little world, she has now become the poster girl of Indian table tennis and the rising star of international table tennis. 2018 में Gold Coast में 2 Commonwealth Games gold medal, एक silver, एक bronze. 2016 में South Asian Games में 3 gold और एक silver. और 2018 Asian Games में एक bronze medal. 2018 में Arjuna Award. लेकिन अभी तो इन्होंने शुरुआत की है. अब तक जो कुछ इन्होंने अचीव किया है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर स्टोरी का. और उस स्टोरी की स्टार, द 25-year-old सुपरस्टार इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बात्रा इज आवर गेस्ट टुडे ऑन फिट इंडिया टॉक, ऑफ कोर्स ब्रॉट टू यू बाय द एमएचआरडी एंड द अमेजिंग फिट इंडिया मूवमेंट. मनिका, ये बात अब पूरा इंडिया जानता है कि आपके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे बहुत मजबूत इरादे हैं. आपके नेल्स पर जो इंडियन ट्राइकलर को देखने वाले लोग हैं उनको ये भी बता दें कि इंडियन फ्लैग के उन 3 रंगों की शान के लिए पर्दे के पीछे आपने कितने बरसों की मेहनत की है, राइट? यस, ऑफ कोर्स मेहनत बहुत ही करी है और मेहनत जरूरी भी है. जो वो इंडिया का फ्लैग नेल पे है वो मोटिवेट करता है मुझे. एंड ऑफ कोर्स मेरा ड्रीम है इंडिया को स्पोर्ट टेबल टेनिस में ऊपर लेकर जाना एंड टेबल टेनिस को ऊपर लेके जाना मेनली, बिकॉज पहले टेबल टेनिस को लोग इतना जानते नहीं थे. सब समझते कि हॉबी के लिए खेलना है एंड करियर नहीं है इसमें. बट आफ्टर 2018 मेनली वी हैव चेंज्ड सारा सिनेरियो कि टेबल टेनिस इज द गेम जिसमें करियर बन सकता है एंड हम इंडिया के लिए मेन इवेंट्स में मेडल ला सकते हैं. बट मैं बोलूंगी कि लोग बस यही देखते हैं कि मेडल ला रहे हैं नहीं ला रहे, उसके पीछे क्या मेहनत होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड वो बहुत ज्यादा करनी इम्पोर्टेंट है. हार्डवर्क एक एक चीज के लिए, छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज तक, हार्डवर्क इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. मनिका, बड़े बड़े काम करने के लिए बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं. जिंदगी के 24 साल दिल्ली में रहने के बाद अब आप अकेले पुणे में रहकर खुद का ख्याल रख रही हैं, ट्रेनिंग कर रही है, ये कितना बड़ा डिसीजन था और अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर रही हैं आप? सो डिसीजन मेरे लिए इतना बड़ा नहीं था क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग अच्छी करनी थी, इंडिया के लिए मेडल जीतने हैं. सो 2014 में ही मैंने सोचा था दैट आई विल चेंज, तब नहीं कर पाई. देन 2016 सोचा, देन 2018 अगेन मैंने सोचा कि पक्का अब आई विल चेंज. बट एट लास्ट मैंने 2019 में आके आई शिफ्टेड टू पुणे एंड इट वॉज ऑल बिकॉज कि मेरे को ट्रेनिंग अच्छी चाहिए थी, ट्रेनिंग पार्टनर्स अच्छे चाहिए थे, विच आई एम गेटिंग योर. एंड हार्डवर्क इज रियली इम्पोर्टेंट. अगेन आई एम सेइंग कि बस हॉल में जाना खेल के आना इज नॉट गुड. क्या पर्पस होना चाहिए, किस लिए खेल रहे हो, क्या ड्रीम है, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. तो वो मैंने सोच के ये सब किया एंड आई एम हैप्पी दैट मैं अभी पुणे शिफ्ट हो गई एंड आई एम ट्रेनिंग रियली वेल. एंड आई विल से वन थिंग दैट यू शुड टेक योर डिसीजन ट्रेनिंग एंड हार्डवर्क के बेस पे, नॉट मनी या कन्वीनियंस के बेस पे. तो ये बहुत जरूरी है कि हार्डवर्क एंड ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए. मनिका, फिट इंडिया टॉक्स नाम के शो को लाखों बच्चे देख रहे हैं देश भर में एंड दे आर ऑल क्यूरियस टू नो हाउ चैंपियंस थिंक, हाउ दे ऑपरेट, दे वांट टू बी फिटर, दे वांट टू बी बेटर. और ऐसा कहते हैं कि हर स्पोर्ट्स पर्सन का एक प्री परफॉर्मेंस रूटीन होता है और मैंने सुना है कि आप एक खास विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं बिफोर यू गो ऑन कोर्ट. आप क्या क्या विजुअलाइज करती हैं? लॉन्ग रैलीज इमेजिन करती है, विनिंग मोमेंट या फिर इंटरव्यू आफ्टर विनिंग द मेडल? फर्स्ट थिंग आई विल से दैट विजुअलाइजेशन इज रियली इम्पोर्टेंट.
तो सब होगा. तो विजुलाइजेशन मेनली इम्पोर्टेंट है. अगर मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है और मैं कुछ और सोच रही, तो आई सिट फॉर सम टाइम एंड सोचती हूँ कि क्या करना है, किस लिए जा रही हूँ प्रैक्टिस पे, क्या अचीव करना है. तो ये सब हर एथलीट के लिए इम्पोर्टेंट है. ये रोनाल्डो वाला क्या कनेक्शन है? रोनाल्डो के मैं कोई वीडियोस देख के जाती हूँ, देन स्पीच जो मोटिवेशनल स्पीच है, एक्चुअली आई लव रोनाल्डो, तो मैं उसकी वीडियोस देख के जाती हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता है. एंड ऑफकोर्स जो उसकी मोटिवेशनल स्पीचेस हैं उसको मैं सुन के जाती हूँ, एंड वो लाइक वो किक मिलता है जब मैं ऑन कोर्ट होती हूँ. तो मैच में जब प्रेशर हो, बड़ा मैच हो, ओपोनेंट डोमिनेट कर रहा हो, आप दो गेम से ट्रेल कर रही हो, तो ऐसे में क्या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में कॉन्शियसली सोचती है? इज बॉडी लैंग्वेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ टॉप लेवल स्पोर्ट्स पर्सन सक्सेस स्टोरी एज वेल? यस ऑफ कोर्स. ये मैंने बहुत पहले सीखा था. एक बार मैं खेल रही थी एक मैच एंड एक्चुअली आई वॉज लीडिंग, बट मैं उस गेम में डाउन थी, तो मैंने मेरा थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ. आई वॉज लाइक नर्वस एंड ऑल, तो ओपोनेंट को दिख जाता है वो, दैट इज नॉट गुड. हमें अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखना चाहिए कि ओपोनेंट को ये ना लगे कि हम डाउन हैं और नर्वस हैं. हमें हमेशा ऐसे रखना चाहिए कि वी आर स्ट्रॉन्ग, हम यहाँ से भी कम बैक करेंगे. तो ये चीज मैंने सीखी है छोटे होते ही, कि मुझे अपना बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव रखना है हमेशा. मैं ऑफ कोर्ट बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हूँ, बट ऑन कोर्ट मैं एग्रेसिव रखती हूँ अपने आप को, कि ओपोनेंट को भी दिखे कि आई एम स्ट्रॉन्ग. कई कोचेज और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे जब अच्छा करे स्पोर्ट्स में या एकेडमिक्स में या फिटनेस पर बहुत ज्यादा मेहनत करो तो उनकी ज्यादा तारीफ मत करो, लेकिन एट द एज ऑफ 2018 में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने आपको द ब्रेक थ्रू स्टार का अवार्ड दिया, क्या तब थोड़ी सी टेंशन हुई थी, उस टैग का प्रेशर आपको फील हुआ, या फिर ये लगा कि यार मामला अब एक अलग गियर हिट कर चुका है एंड आई हैव टू रेज माय गेम, मुझे अपना लेवल अब ऊपर करना पड़ेगा? टू बी ऑनेस्ट, मुझे तारीफ सुनना बहुत पसंद है. तो कभी भी कोई भी तारीफ करे तो मुझे अच्छा लगता है. एंड स्पेशली 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे, माई फॉलोअर्स जो भी, जिन्होंने भी मैच देखा, मैं फैमिली बोलती हूँ उनको जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, तो जो भी मैसेजेस आए थे उनके, आई वॉज सो लाइक पैम्पर्ड थी, बहुत ज्यादा पैम्परिंग किया उन्होंने एंड आई वॉज सो हैप्पी. बट मैंने एक चीज सोची कि मेरे को अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है सब कुछ, आई हैव टू डू मोर फॉर माय कंट्री एंड अभी हार्डवर्क शुरू हुआ है. ये बस फर्स्ट मेडल था फॉर इंडिया इतने बड़े लेवल पे, तो अभी मुझे और भी ज्यादा हार्डवर्क करना है और ट्रेनिंग अच्छी करनी है, तो इसलिए मैंने और भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी अच्छी करने की. अभी मेरा ये एम ये था, बट अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अचीव करनी है, लाइक ओलंपिक्स, देन वर्ल्ड में टॉप 10 में आना है. सो ये सब मेरा ऑफ कोर्स ड्रीम है, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी कॉमनवेल्थ के बाद खत्म हो गया सब, सब मैं जीत गई हूँ, एवरीथिंग इज ओवर. तो सबके लिए ये होना चाहिए कि अगर कुछ अचीव करा है आपने, तो उसका ये रीजन, आई मीन भूलना नहीं चाहिए कि किस रीजन से आप ये सब अचीव किया है. तो ये ही फॉलो करते रहना चाहिए इन योर लाइफ, कि हार्डवर्क और ट्रेनिंग की वजह से ये सब हुआ, तो यू हैव टू मेंटेन एंड फॉलो ऑल दीस थिंग्स. फिट इंडिया मूवमेंट में हम कहते हैं अक्सर हम फिट तो इंडिया हिट, और यहाँ पर हम मेंटल फिटनेस की भी बातें करते हैं अक्सर इस मूवमेंट में. अब ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के लाइफ में कई बार सेटबैक्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, और हम कई बार ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, नेगेटिव प्रेशर के जोन से निकलने के लिए क्या करें. आपने, मैंने सुना, एक बड़ी सिंपल सी अनोखी सी स्कीम निकाली है खुद के लिए उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए. यस,
टास्किंग. अब उस किताब में एक लाइन का मतलब ये कि बाहर सॉल्यूशन ढूंढने के बदले अपने इंटरनल डायलॉग को चेंज करने से भी बात बन जाती है कई बार, इसलिए यस लाइक अभी इस सिचुएशन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं लोगों के, डिप्रेस्ड हो रहे हैं. तो आई थिंक लोगों, मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि लोगों का कम सुनिए, अपना देखिए कि अपने अंदर क्या आप चाहते हो. यू कैन लाइक फॉर एग्जांपल आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई आस्क माय सेल्फ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है एंड किस चीज से खुशी मिलेगी. सो आई डू ऑल दोज थिंग्स एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है जब हम नेगेटिव थॉट्स में होते हैं. और अभी बहुत लोग नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि उनका काम रुका हुआ है. लाइक एज एन एथलीट हम खेल नहीं पा रहे थे एंड कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज एथलीट्स घर पे नहीं बैठ सकते. मैंने ये बहुत आजमा लिया है. आई कैन नेवर सिट एक जगह. मैं फिटनेस कर रही थी बट आई वॉज मिसिंग माई टेबल टेनिस का टेबल, देन मोर टच एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक अपने अंदर से पूछना चाहिए कि क्या चाहिए हमें, किस चीज से खुशी मिलती है. You know, you are a gift from Delhi to the nation. और दिल्ली के street food के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है. अब दिल्ली तो मुझे खाना है एंड देन फिर हैबिट बन जाएगी. एंड बिल्कुल चाइनीज तो होते हैं बहुत कंपेटिटिव टेबल टेनिस कोर्ट पर, और उनको हराने के लिए मलिका आप भी अपना लेवल और ऊपर कर रही है. यस ऑफ कोर्स एंड उनको हराना अब बहुत ज्यादा पॉसिबल हो गया है. अब क्या ये सच है कि पढ़ाई के मामले में मलिका आप उस टीटी प्लेयर की तरह हैं जो पांचवें गेम में जाकर बाजी मार लेती थी एकदम लास्ट मिनट? यस बहुत फनी स्टोरी भी है इसके पीछे. जब मेरा एग्जाम होता था तब मैं टेबल टेनिस ही खेलती थी, तब मैं गेम पे फोकस करती थी प्रैक्टिस पे. बट जब एग्जाम्स में टाइम होता था और मेरे पास टाइम मिलता भी था तब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी. बट जैसे ही पास आने वाला होता था एग्जाम तब 10 days पहले मैं पढ़ती थी और मुझे हमेशा डांट पड़ती थी. तो आई थिंक वो मैंने बहुत गलत किया कि लास्ट मोमेंट पे आके पढ़ा. बट आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट और मुझे अच्छे मार्क्स भी आते थे तो मेरे को बुरा नहीं लगा इतना. बट लास्ट डेज पे आके पढ़ना थोड़ा प्रेशर और नर्वसनेस और बढ़ा देता है, एंग्जाइटी. तो ये नहीं करना चाहिए, मैंने ये सीखा. बट गेम में लास्ट मोमेंट पे आके जीतना वो अच्छा है. तो गेम और पढ़ाई का थोड़ा डिफरेंट है. बट आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि मेरा खेलने में बिल्कुल ध्यान था बट पढ़ाई भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट है तो उसको साइडलाइन नहीं करना चाहिए. बट जो तुम्हारा एम है उसको फॉलो करते रहना चाहिए. उसका करते हैं धाकड़ बने का बात है आपने, क्या था वो? यस जब मैं छोटी थी तब मैं बड़ों के साथ भी खेलती थी और अभी भी यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ पुणे में यहाँ भी लड़कों के साथ खेलती हूँ और बड़े भी हैं वहाँ पे यहाँ पे. तो आई थिंक मेरे को शुरू से ऐसा है कि मेरे को उनको हराना बहुत पसंद है. तो मैं लड़कों और बड़े जो होते हैं उनको हराना पसंद है क्योंकि आई थिंक जो लड़कों के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ अभी यहाँ पे
वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है मेरे लिए, क्योंकि ये सारे जो बाहर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी उनकी गेम वैसे ही है और अच्छी लेवल की है, तो वो लड़कों के साथ आई कैन प्ले हियर एंड प्रूव माई सेल्फ बाहर जाके. तो आई थिंक मुझे हराना पसंद है उन्हें, और मैं जब लाइक इफ बेस्ट ऑफ फाइव आई एम प्लेइंग तो 2-0 अप हूँ, तो उनको चिढ़ाना भी बहुत पसंद है. तो यस, मेरे को हमेशा अपने बड़े और लड़कों से जीतना अच्छा लगता है. क्या कहकर चिढ़ाती थी आप उन्हें? वो भी एक कहानी है, मैंने सुना है कि हाँ कि अभी तो एक पॉइंट भी नहीं ले सकता, तो लाइक मैं ऐसी छोटी छोटी बात पे चिढ़ाती थी कि अब तो हार ही गया तू ऐसे करके, बट मैं डीमोटिवेट नहीं करती किसी को, ऐसा है, बट चढ़ाना इज अलग. ये हर परफॉर्मर के, चाहे कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो या आर्ट हो या कोई भी और फील्ड हो, एवरीवन हैज देयर ओन परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स एंड दे हैव अ मैप. जब अच्छा करते हैं तो खुद को रिवॉर्ड भी मिलता है, और नहीं करते तो पनिशमेंट भी मिलता है. आपने भी ऐसा एक खुद के लिए सिस्टम बनाया रिवॉर्ड और पनिशमेंट का? यस, जब मैं कोई टूर्नामेंट जीतती हूँ या अच्छा खेलती हूँ जिससे मैं खुश होती हूँ, लाइक जो मैंने ट्रेनिंग में 100% दिया है, पूरा मेहनत किया है और वही मैं मैच में दे रही हूँ, तो अगर हार भी गई ऑफ कोर्स बुरा लगता है, बट मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने अपना 100% दिया यहाँ पे, तो मैं अपने आप को आइसक्रीम के साथ रिवॉर्ड करती हूँ. मुझे आइसक्रीम पसंद है, बट एवरी डे आई कैन नॉट ईट बिकॉज लाइक फिर मुश्किल हो जाएगा मुझे टेबल पे हिलना. बट मैं आइसक्रीम और चॉकलेट से अपने आप को हैप्पी रखती हूँ उस टाइम पे. बट व्हेन आई एम अगर पनिशमेंट देनी हो मैं खेलती हूँ, लाइक जब मैं टूर्नामेंट में भी हूँ तो अगर मैं हार गई और मुझे बुरा लग रहा हो तो मैं उसी दिन जाके या नेक्स्ट डे जाके आई प्ले, क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलेगी, और मैं नेक्स्ट मैच जब भी होगा या ट्रेनिंग में जब मैं जाऊंगी तो मैं वो चीज कंटिन्यू कर सकती हूँ. तो मैं पनिशमेंट नहीं बोलूंगी, बट मैं अपने आप को उस चीज से खुश रखती हूँ कि अभी मेरे को और चांसेस हैं, मुझे नेक्स्ट टूर्नामेंट में अच्छा करना है, तो इट्स बेटर कि मैं ट्रेनिंग करूँ, लाइक करती रहूँ, उस मूड में रहूँ मैं. मैंने कहा आपके लाखों फैंस इस वक्त हमें देख रहे हैं, और उनकी, मेरी, शायद हम सबकी इस जनरेशन की एक प्रॉब्लम है सोशल मीडिया के साथ, जो ऑब्सेशन है इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, विच इज फन एट सम लेवल, लेकिन जब ओवरडोज हो जाए तो प्रॉब्लम होती है. और आपके इन सब चीजों के बारे में बहुत क्लियर कट फिलॉसफी है, इजंट इट? यस, मेरे को भी बहुत पसंद था पहले, मैं भी रहती थी सोशल मीडिया पे, बट सेम लाइक मैंने रियलाइज किया, बहुत सारी चीजें रियलाइज करी हैं, तो ये भी है उन चीजों में से. तो मैंने किया कि ये चीज मुझे आगे नहीं लेकर जाएगी अगर मैं पूरा टाइम इस पे बैठी रहूंगी, लाइक व्हेन आई एम कमिंग फ्रॉम माय ट्रेनिंग और फोन पे लग जाऊं तो अगला दिन ट्रेनिंग पे मैं नहीं उठ पाऊंगी. तो जैसे मैं 8 o'clock आई तो फिर जो है स्केड्यूल मेरा वो फॉलो करना बेटर है. जैसे मैं अभी आती हूँ शाम को ट्रेनिंग करके, तो मैं बस 10 मैक्सिमम अपने आप को 10-15 मिनट्स देती हूँ सोशल मीडिया पे होने का, और फिर आई ईट एंड देन आई स्लीप. तो अगर मैं सोशल मीडिया पे ही रहूंगी तो मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा मुझे जो जो करनी है चीजें. एंड ऑफकोर्स मैं जाती हूँ जब, तो मैं जो भी मैसेजेस आए होते हैं जो यंग किड्स हैं उनके कि ये टेक्निक बताओ क्या करना चाहिए माइंड काम रखने के लिए, तो आई रिप्लाई उनको रिप्लाई करती हूँ, देन ओनली आई स्लीप. एंड मुझे अच्छा भी लगता है वो सब करके कि मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ और जो यंग जनरेशन है उनकी हेल्प कर रही हूँ. और जो पूरा दिन ऑनलाइन रहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? पूरा दिन ऑनलाइन, वही उनकी पूरा दिन जो ऑनलाइन रहते हैं उनको नहीं रहना चाहिए. आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट उनकी आदत बन जाती है, बट ये धीरे धीरे अगर करोगे तो ये भी आदत बन जाएगी कि ज्यादा आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सोशल मीडिया पे जाने का. आप ये रियलाइज करोगे कि क्या मैं क्या रहता था या क्या रहती थी उस पे, मैंने टाइम वेस्ट किया, व्हाट इज माय लाइफ, व्हाट इज माय एम, उस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, ध्यान लगाना है. तो यस, एंड एक्चुअली माय फेवरेट सोशल मीडिया ऐप इज इंस्टाग्राम. आई नो वहीं पे ही ज्यादा लोग आते हैं एंड मुझे पूछते हैं, तो मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती. You can message me and I will reply to you. अब थोड़ा सा आपके फिटनेस रेजिमेन की बात करते हैं. जो लोग आपके करंट सक्सेस को जानते हैं उनको शायद ये बात नहीं पता कि इस सफर की शुरुआत
नेहरू पार्क में सुबह 5 बजे हुई थी बहुत साल पहले, है ना? यस, मैं जब दिल्ली में थी तब मैं 5:30 में जाती थी यहाँ पे नेहरू पार्क में, तो मैं वहाँ फिटनेस करती थी. बिकॉज जब मैं छोटी थी तब मेरी लेग्स बहुत वीक थी, और जब मैंने स्टार्ट भी किया था नेहरू पार्क में करना तब माई लेग्स बहुत वीक लीन ऐसे थी. एंड मूवमेंट के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनानी थी, जैसे मूवमेंट जो चाइनीज, जो सारे यूरोपियन चाइनीज की लेग्स होती है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड फिर उसके बाद मैंने फिटनेस स्टार्ट करी. देन नाउ ऑल्सो इन पुणे आई एम डूइंग एवरी डे जो भी कर सकती हूँ. एंड ऑफकोर्स जैसे मैं एज इन मैं टॉल हूँ तो मुझे अपनी बैक बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो मैं उसके लिए स्ट्रेंथनिंग करती हूँ. बिकॉज आई हैव टू बेंड मोर, तो टेबल थोड़ा छोटा होता है, आई हैव टू बेंड, तो मुझे अपनी बैक और लेग्स इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी कि मैं ज्यादा देर तक वो पोजिशन में रह सकूँ. फिट इंडिया मूवमेंट में हमारा फोकस फिटनेस के अलग अलग पहलुओं पर है. आई'd लाइक यू टू टेल आवर गेस्ट्स एंड आवर व्यूअर्स के टूर्नामेंट और ट्रेनिंग में फिटनेस लेवल में फर्क होता है या नहीं होता? यस ऑफ कोर्स फर्क होता है. जब यू मीन फिटनेस राइट? जी जी ऑफ कोर्स होता है. व्हेन वी आर ट्रेनिंग तब हम पूरा एज इन मैं पूरा टाइम देती हूँ फिटनेस के लिए कि मैं जितना ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकूं वो सब करती हूँ. लाइक स्ट्रेंथनिंग एंड लाइक आई सेट बैक का स्ट्रेंथनिंग आई डू, लेग्स का, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, तो वो सब चीजें करती हूँ जब मैं ट्रेनिंग में हूँ. एंड जब टूर्नामेंट्स आ रहे हो इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम मूवमेंट एक्सरसाइज करें, लाइक साइड टू साइड, देन एजिलिटी का कोई एक्सरसाइज. तो पर्सनली आई डू ऑल दीज थिंग्स. जब टूर्नामेंट्स पास में आ रहे हो तो मैं अपने आप को चार्ज अप रखना पसंद करती हूँ कि मेरे लेग्स मूव करते रहें. एंड वो लेग्स तभी मूव करेंगे, चार्ज अप रहेंगे, अगर आपने स्ट्रेंथनिंग अच्छी करी हो लोअर बॉडी की. तो वो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस टाइम पे क्या करना है, वो हमें पूरा प्लान बनाना चाहिए. ऐसा नहीं कि जाओ हॉल में, ये अभी मन कर रहे तो ये कर लो, ऐसे नहीं होना चाहिए. मनिका, जब आप मनी थी, आपको प्यार से लोग मनी बुलाते थे बहुत कम उम्र में, तो आपकी पर्सनालिटी का तो उस जमाने में आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट था जो थोड़ा सा शायद डेंजरस था, व्हिच इज परहैप्स द केस विद अ लॉट ऑफ अस एट दैट एज. वो क्या ट्रेट था एंड हाउ डिड यू कॉन्कर इट? जब मैं छोटी थी मनी तब मेरे को गुस्सा और नाराज होने की बहुत आदत थी. और लाइक मैं कोई भी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती थी या नाराज हो जाती थी. बट अभी वो चीज मैंने अच्छे वे में ली कि मैं गुस्सा कहीं और दिखाऊं, जहाँ पे मैं ओपोनेंट को दिखा सकूं और खेल सकूं गुस्से में. तो वो मैंने गुस्सा रखा है बट ये चेंज करा है कि किस पे निकालना है. तो मैं अभी खेलते टाइम ओपोनेंट के टाइम, मतलब ओपोनेंट के साथ जब खेलती हूँ तब मैं वहां पे गुस्सा निकालती हूँ कि इसको हराना है, या ऐसे सोच के कि अभी ये पॉइंट चाहिए. इस शो को बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं, कोचेस भी देख रहे हैं. जैसे आप एक यंग एथलीट है, आप यंग स्पोर्ट्स स्टार है, तो आप बच्चों की और यंगस्टर्स की साइकी भी समझती हैं. व्हाट्स योर एडवाइस फॉर पेरेंट्स एंड कोचेस? ऑफ कोर्स जब छोटे होते हैं, जब 4 साल 5, मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 4, तो जब 4 साल 5 साल के होते हैं उस टाइम पे पता नहीं होता बच्चे को. मेरे को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ तक पहुंचूंगी और कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतूंगी और एशियन मेडल. बट उस टाइम बस मजा आता है खेलने का कि ये स्पोर्ट खेल रहे हैं, इसमें मजा आ रहा है. मेरे को था कि रैकेट बॉल अजीब अलग करता था, तो मुझे भी मजा आता था. बट पेरेंट्स का और कोचेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि हम उन्हें वो उन्हें सही टेक्निक सिखाएं, क्योंकि मजा बस आए तो कोई फायदा नहीं है. अगर मजे के साथ टेक्निक भी अच्छी हो तो बड़े होके अच्छा लगता है, क्योंकि अगर टेक्निक या कुछ गलत सिखा रहे हो वो बड़े हो के वही फॉलो कर रहे हैं तो बाद में मजा नहीं आएगा. तो शुरू से ही ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब छोटा है कोई तो उसको टेक्निक्स अच्छे होने चाहिए और अच्छे सपोर्ट मिलना चाहिए मेनली. तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि बच्चा अकेले कुछ नहीं करेगा, उसको सपोर्ट मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है. आपने सपोर्ट का जिक्र किया और इसी सपोर्ट के लिए एक बहुत ही ग्रैंड विजन तैयार किया गया है, व्हिच इज कॉल्ड द फिट इंडिया मूवमेंट. और पिछले कुछ हफ्तों में
MHRD और फिट इंडिया मूवमेंट ने मिलकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो ऐसे मूवमेंट जब आते हैं तो बहुत फर्क पड़ता होगा यंग एथलीट को भी. ऑफ कोर्स यस, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट लिया उन्होंने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी अभी जो कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत मोटिवेशन मिलता है. एंड जब वो खुद फिटनेस करते हैं तब और भी मोटिवेशन मिलता है. लाइक आई हैव सीन वीडियोस कि हमारे प्राइम मिनिस्टर देन स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद फिटनेस कर रहे हैं एंड दे आर सो फिट, सो हमें भी उनसे मोटिवेशन मिलता है कि इस एज पे आके भी दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड सबको मोटिवेट कर रहे हैं करने के लिए. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया है ये चीज, एंड आई थिंक ये यंग जनरेशन जो भी आ रही है उन सबको भी बहुत इंस्पायर करेगा. मानेगा आपका पहला टाइटल शायद एक स्टेट लेवल अंडर 8 टूर्नामेंट था एंड देन इन 2008 13 साल की उम्र में यू रिप्रेजेंटेड इंडिया. क्या वो दिन आपको याद है, क्या सोचा था तब के मैं इंडिया जरूर खेलूंगा? व्हाट वाज योर फिलॉसफी लाइक एट दैट स्टेज? ऑफ कोर्स 8 साल की ही तब नहीं सोचा था. मतलब ऑफ कोर्स ड्रीम था बट ऐसा नहीं सोचा था कि मैं खेलूंगी और मैं इस लेवल पे पहुंचूंगी. बट जब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था US ओपन आई रिमेम्बर 2008 में, तो मैंने वहाँ पे अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था और अपनी अपने से बड़ी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था. एंड वो एक्सपीरियंस जो था, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था कि मैंने मेरे से टॉप रैंक मतलब आगे वाली रैंक का प्लेयर को हराया था. तो वो आई वॉज हैप्पी ऑल्सो देन, वही अगेन आई एम सेइंग बस हैप्पी होने से कुछ नहीं होगा. मैंने उसके बाद सोचा कि दिस इज माई ड्रीम, दिस इज माई गोल, मतलब इसमें मुझे अपना जो भी बनाना है आगे अचीव करना है. तो मैंने तब उसके बाद सोचा था कि आई हैव टू अचीव समथिंग एंड मेनली आई हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया और उसके लिए इंडिया के लिए जीतना है. तो हमेशा मेरे माइंड में इंडिया फर्स्ट आता है एंड अपना खेलना सेकेंड आता है. सो आई थिंक जब भी मैं अभी भी कोई टूर्नामेंट जाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, इंडिया के लिए आई हूँ, तो उसके लिए जीतना है. या आपकी टेबल टेनिस फिलोसफी को शायद 3 शब्दों में बयां किया जा सकता है, जीतने का मजा, इजंट इट? यस यस ऑफ कोर्स, जीतने का मजा अलग ही होता है. लाइक हमें इंजॉय करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट. आई नो प्रेशर होता है, वी कैन नॉट इंजॉय जब हम खेल रहे हैं, बट आई थिंक ट्रेनिंग के टाइम पे भी हम अगर इंजॉय करके खेलेंगे तब अच्छा होगा. ऑफ कोर्स प्रेशर लेके खेलना चाहिए क्योंकि मैच में भी प्रेशर आएगा. तो मैं ऐसे सोचती हूँ हमेशा, अगर मैं ट्रेनिंग में वैसा खेलूँ जैसे मैं मैच में खेलने वाली हूँ प्रेशर के साथ एंड ये सोच के कि क्या करना है नेक्स्ट क्या करना है, तो मैं और अच्छा खेलती हूँ. बट इंजॉय करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप वो चीज कर रहे हो जिससे आप प्यार करते हो, तो उसमें इंजॉयमेंट होनी चाहिए. तो मेरे लिए यही है कि मुझे ऑफ कोर्स अचीव करना है बट हंस के और मजे लेकर करना है. मजा अब इस शो पे 10 गुना होने वाला है बिकॉज इट्स टाइम फॉर द रैपिड फायर. लेकिन कोई भी एथलीट किसी भी चैलेंज में बिना वार्म अप के तो जाता नहीं है. So how about we have one little warm up skill from you? Yeah. Warm up? Okay. आपका ये वर्कआउट देख के लग रहा है कि आप रैपिड फायर को बड़ी आसानी से एस करने वाले हैं. All those young kids watching, please try and replicate that workout only under expert supervision. अपने कोचेस से बात कर लो. But yeah. Monica, all set for the rapid fire? Yes, of course. You can ask anything. जैसे आप forehand smashes मारती है ना, वैसे ही कुछ attitude दिखाना इसमें, ठीक है? Okay, I'll try. All right, here we go. What is a bigger fear? आपकी personal diary खो जाना या आपके nails टूट जाना? Of course, personal diary खो जाना. मनिका, आपके 3 idols हैं, उनमें से आपको एक pick करना है. सचिन तेंदुलकर, PV सिंधु या Mary Kom? एक्चुअली तीनों ही मेरे को अच्छे लगते हैं, तीनों ने अचीव किया है. बट आई वुड चूज मेरी कॉम क्योंकि वो इस एज में भी आके इतना कुछ अचीव कर रही हैं. लाइक ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर सर ने भी, उन्होंने भी किया है. बट अभी मेरी कॉम का मैं वीडियोस देखती हूँ, शी इज सो फिट. जो उनका स्किपिंग का है, शी डांस व्हेन शी स्किप्स. सो माय प्रायोरिटी विल बी मेरी कॉम.
राइट, लॉकडाउन के टाइम में आपने कुछ कुकिंग की भी कोशिश की, दो चीजें आपने बनाई, पिक वन, पनीर या पास्ता? पास्ता, पनीर भी ट्राई किया था बट बहुत गंदा बना था, तो पास्ता. मैंने सुना है कि 2014 में आपको 20 साल की उम्र में पंजाबी मूवी ऑफर हुई थी, अगर वो फिर से ऑफर हो तो? I don't think मैं फिर से, मेरा सेम आंसर होगा कि अभी नहीं, क्योंकि मेरा मेन एम और फोकस टेबल टेनिस है और उसमें मुझे अचीव करना है. तो अभी मैं बस प्रेफर करूंगी कि मैं अपने टेबल टेनिस पे ही, अपने ट्रेनिंग पे, अपने गोल पे फोकस करूं. अगर आपको एक और बड़ा शौक पूरा करने का मौका मिले, दो में से एक, या तो जैज डांस क्लासेस या गिटार क्लासेस? डांस से मुझे बहुत प्यार है, तो जैज क्लास. यस. On a scale of 1 to 10, how do you rate yourself as a Punjabi dancer? I'm a very bad dancer. I mean, Punjabi dancer. So, I think 7? 6 or 7. Okay. One hidden talent in you that no one knows about? Actually, aisa koi hai hi nahi. Sab kuch sabko pata hai. But... टैलेंट कि मैं घर साफ कर सकती हूँ. बहुत ही इम्पोर्टेंट टैलेंट है और आसपास सफाई रखना बहुत जरूरी है, और अभी इस लॉकडाउन में मैंने सीख लिया है. सबने सीखा, हम सब कर रहे हैं. आई नो यू आर ह्यूज हिंदी मूवी फैन, और ये भी मैंने सुना है कि आपके फेवरेट एक्टर्स चेंज होते रहते हैं, विकी कौशल या रणबीर कपूर? अभी विकी कौशल चल रहा है, तो विकी कौशल. और अगर विकी कौशल कहे कि मैं आपकी डायरी पढ़ना चाहता हूँ, would you allow him? No, वो किसी को अलाउड नहीं है, चाहे कोई मेरा फेवरेट हो, चाहे कोई किसी हो. Yes, because that is secret. अब ऐसा आप कहेंगे तो उसका जोश भी लो हो जाएगा. नहीं, वो मैं होने नहीं दूंगी. Manika, I also know that you're a huge movie fan, so pick one of these two films, Alia Bhatt की Highway या फिर Iqbal. Oh my God, no. Alia Bhatt ki fan hoon bahut badi, but I would choose Iqbal, kyunki pehle main player hoon aur sports ke upar movie banna mere ko wo bahut acha lagta hai. So yes, Iqbal. What is the best way to describe your forehand smash? Chabuk ya bullet? Bullet. Okay, that's what it is. Yes. दिल्ली के छोले भटूरे या पुणे का तीखा मिसल? To be honest, मैंने तीखा मिसल ट्राई नहीं किया है, but of course छोले भटूरे, कहीं के भी छोले भटूरे. And finally, perhaps a very tough one, दिल्ली या पुणे? No, I'm not going to answer this. दोनों. I'm sorry, but दोनों, क्योंकि दिल्ली में मैं I was born, but पुणे में मेरी training है जो बहुत अच्छी और important और अच्छे level की चल रही है. चलिए, दिल्ली वाले भी खुश, पुणे वाले भी खुश, पूरे इंडिया वाले भी खुश. It's been a fabulous conversation. Manika, thank you so much कि आपने fitness की इतनी सारी बातें की, fit India movement की अहमियत को बताया, and I'm sure a lot of young kids will get so inspired by what you've done in a very very short span in your career. May you go well, and hopefully that big Olympic gold medal is not too far. Thank you so much. Thank you, and thank you for talking and listening me. And of course, all the best to everyone. All जो भी सारे छोटे young generation हैं, उनको good luck, and वो अपना dream follow कर रहे हैं, and जो उनको achieve करना है, वो करके दिखाएं सबको. And all the kids watching us from across the country, remember जो हम अक्सर Fit India Movement में कहते हैं, हम fit तो इंडिया फिट. Of course.